हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन कुमार आप सभी को आज एडवांस मैथ यानी कि मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं। एरिया एंड पेरिमीटर भी इस चैप्टर को बोलते हैं। और आज हम त्रिभुज से रिलेटेड सभी बातें लेकर आए हैं। आपको प्रॉब्लम करता है कि सर कैसे त्रिभुज के सवाल को बनाएंगे, या फिर त्रिभुज के कितने तरह के प्रश्न होते हैं, त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, सूत्र की जरूरत कहाँ पड़ेगी और कैसे कैसे सूत्र होते हैं, सभी बातें आज इस वीडियो में पूरा कवर किए हुए हैं। पूरा वीडियो देखना, तब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, छोटा सा बात लिखी है कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज के बारे में जानना ये जरूरी है कि किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरह से, और ये हमारा तीन है और ये चार है भुजा और ये पांच भुजा है, तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कहने का मतलब इसको अगर इसको जोड़ते हैं तो चार तीन सात होता है और ये पांच से हमारा क्या है, बड़ा है। अगर आप इसको इसको जोड़ोगे पांच तीन आठ तो ये चार से बड़ा है, और अगर चार और पांच को जोड़ोगे तो नौ तीन से बड़ा है। तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, यही बात है इसमें बोला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि कोण के आधार पर, यानी कि टाइप जो है हमारा ट्रायंगल का टाइप पहला है कोण के आधार पर। अब कोण के आधार का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और तीसरा है आपका ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण। ठीक है, क्या क्या है, एक्यूट, राइट और ऑप्टिस। अब यहां पे समझेंगे आगे हम कि सर भुजा के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो भुजा के आधार पर भी ट्रायंगल हमारा तीन तरह का है। क्या क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, जैसा नाम से ही पता दिखे, इक्वल। इक्वल मतलब बराबर होता, सभी भुजा हमारा बराबर होगा। उसके बाद है आइसोसेलिस। आइसोसेलिस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब हो गया कि दो भुजा हमारा बराबर होगा। ठीक है, और एक है स्क्लिन ट्रायंगल। स्क्लिन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजा हमारा बराबर नहीं हो वह हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब हो गया कि हम लोग कोण के आधार पर सभी बातों को पहले जान लेते हैं, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज से क्या है यहाँ पे याद रखना है कि जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से हमारा क्या हो, कम हो। 90 डिग्री से अगर कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोण के आधार पे हम लोग जानते हैं बी नंबर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये समझो। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख लो। अब एक बात बताओ समकोण त्रिभुज बनता कैसा है। तो समकोण त्रिभुज आपका ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, और ये आपका इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण बोलते हैं, इसको बोला जाता है लंब और इसको बोला जाता है आधार। ये आपको पता होगा। ठीक, अब समझना यहाँ पे कि यहां 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा लंब है, ये आधार है, और ये 90 है, और ये कोण और ये कोण दोनों हमेशा मेरा 45-45 बनेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 90 बना है तो ये 45 और 45 बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये 45-45 बन जाएगा तो याद रखना ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि दो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको हम बता रहे समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर क्या 30 नहीं बन सकता, यहाँ 30 भी बन सकता है। अगर यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ 60 बना सकते हैं, 60 30 90, तो 90 180। ठीक है, तो आपको हम अभी बता रहे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बताओ। तो ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों भुजा का योग हमारा परिमाप होगा, यानी कि भुजा का योग, भुजाओं का योग आप लिख सकते हो, या फिर ए बी सी भी लिख सकते हो। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
और एक बात, जब लंब का स्क्वायर जब भी निकालना पड़े, अगर लंब का स्क्वायर निकालना पड़े तो कर्ण का स्क्वायर में माइनस कर देना है आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमेशा लंब का स्क्वायर में कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाता है हमारा आधार का स्क्वायर। और अगर आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस, ये तो होता है। अगर रूट अगर यहां नहीं रहेगा तो स्पेयर रूट चढ़ जाता है, क्लियर है। ये सभी बातें आप लोग लिख लो। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई त्रिभुज है हमारा, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा हमारा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसी को बोला जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी कि यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और इस भुजा को आप कर्ण बोलते हो, ठीक। यानी कि अगर बोलेगा कि देखो जब भुजा का मान दिया रहे, तो देखो भुजा का मान हमारे अगर ए लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकलेगा। अभी तो बताए थे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई तो मेरा दोनों ए ही है, तो ए ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक बट्टा दो गुना ए स्क्वायर, क्योंकि एक बट्टा दो गुना ए स्क्वायर क्यों, ठीक। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ सर कि आपने यहाँ पे देखो बताया है एक बट्टा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार में भी ए और ऊंचाई में भी ए, तो ए गुना ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक बट्टा दो गुना भुजा स्क्वायर, किसका सूत्र हो गया ये, जब भुजा का मान रहे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। अभी बताएंगे सभी सूत्र को कैसे कैसे लाए हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए जब कर्ण का मान दिया रहे, तब देखो कर्ण का मान अगर रहे और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो वह हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बटे फोर, ठीक है, ये सूत्र होता है। और अगर आपको बोले कि जब आधार या लंब का मान दिया रहे तो हमारा सूत्र हो जाता है क्या, हो जाता है लंब का स्क्वायर बटा दो, या फिर आधार का स्क्वायर बटे दो, ये सूत्र है, इसको आप नोट कर, ठीक है। एक बात बताते हैं, अब देखो इसमें आपको सभी चीजों को हम क्लियरिफाई करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक और पॉइंट है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम तो अभी बताए आपको, पहला क्षेत्रफल क्या हो गया लंब, पहला क्षेत्रफल आपको यहाँ पे हम बताए थे एक बटा दो गुना भुजा स्क्वायर, एक तो ये हो गया। दूसरा बात है कि जब कर्ण रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर बटा फोर कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन लेकिन जब लंब रहे, या फिर अगर लंब रहेगा तो लंब का स्क्वायर बटे दो कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, या फिर अगर आधार रहेगा तो आधार का स्क्वायर बटा दो कर देंगे। अगर हम कर्ण को k मानते हैं, लंब को अगर l मानते हैं और आधार को अगर h मानते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि k का स्क्वायर बटा फोर बराबर l का स्क्वायर बटा टू बराबर एक आधार को ए, आधार को ए फोर आधार मान, ठीक है, एक का स्क्वायर बटा दो, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्क्वायर बाय फोर बराबर एल स्क्वायर बाय टू बराबर ए स्क्वायर बाय टू होता है। अब देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का लंब या आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, या तो लंब का स्क्वायर बोल देगा या तो आधार का स्क्वायर बोल देगा, तो क्या होगा इसका मान बताइए, यह होगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बटा दो, कर्ण का स्क्वायर बटा। ये सभी बातें आपको समझना है। अब देखिए यहां पर है कोण के आधार पर, पहला टाइप है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। कैसे समझना, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ये तो समकोण बन जाएगा, ये वाला नहीं। अगर हम मान लिया जाए अधिक कोण त्रिभुज बनेगा हमारा, ठीक है, ये बना हुआ, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा बनेगा, हम बना देते हैं यहाँ पे। देखो अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज ऐसा बना, ठीक है,
तो ये हमारा क्या है 90 से अधिक है, नहीं लग रहा है ये टेढ़ा टेप का, यानी कि ये अगर 90 से अधिक है, मान लेते 110 डिग्री है, ये अधिक कंत्रिभुज का है। ठीक, अब इसमें कुछ जानना नहीं है, बस इतना जानना। अब देखिए समबाहु, अब भुजा के आधार पर आया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? पहले समबाहु त्रिभुज जानते हो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर, ठीक है, तीनों भुजा बराबर होने का मतलब यह हुआ सर कि यह भी हमारा ए है, यह भी ए है, यह भी ए है। ठीक, अब एक बात बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है रूट तीन बटे चार गुना भुजा स्क्वायर, भुजा हम ए माने तो ए का स्क्वायर, आप इसको लिख। ठीक, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की चर्चा करेंगे तो ऊंचाई हमारा यहां से यहां की, यानी कि शीर्ष लंब से डाले गए आधार पर जो लंब होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ठीक, यानी कि इसका सूत्र होता है रूट तीन बटा दो गुना ए। और अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़े तो भुजाओं का योग, यानी कि तीन गुना भुजा थ्री ए, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आइसोस्थलिस, इसको पढ़ा जाता है आइसोस्थलिस। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, पहला क्षेत्रफल तो होता है बी बाय फोर रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई बड़ा अच्छा चीज है, यहाँ पे ऊंचाई कैसे याद रखेंगे कि देखो अगर ऊंचाई निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे, यानी कि रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे। ठीक है, यही हमारा ऊंचाई होता है। अब है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले देखो अगर हम कोई त्रिभुज बनाए हैं इस तरह से, और ये भुजा अगर बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये बी है, तो इसका मतलब परिमाप हमारा 2a प्लस बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों भुजा को अगर जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा और नीचे वाला हमारा बी हो जाएगा। इतना बात पता चल गया होगा। अब है हमका हमारा स्क्लिंट एंगल, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर हम दो क्षेत्रफल बताएंगे। पहला विषमबाहु त्रिभुज देखो, अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से, अगर इस टाइप का त्रिभुज है, तो क्या तीनों भुजा आपको बराबर लग, ये कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये तो एकदम भुजा कोई भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दो ये तीन हम दे दिए, इसका मतलब कोई भुजा बराबर नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि ये अगर ए है, ये बी है और ये हमारा सी। ठीक, दूसरी बात, जहां से यहां तक एक हम ऊंचाई को खींच सकते हैं, अगर हमारा इसमें ऊंचाई का मान रहे तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, अगर ऊंचाई रहा तो, लेकिन 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 अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अगर तीनों भुजा दिया हुआ है, तो सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये एस है क्या? ये एस हमारा अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमारा परिमाप हो जाएगा बटा दो, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीनों भुजा का योग बटा दो कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकलेगा। अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा दो हो जाएगा हमारा। ठीक है, यह हमारा विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहता है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो कि अभी हम बताए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहा है किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के एक चौथाई के बराबर होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो यहाँ पर अगर त्रिभुज हमारा यहाँ यहाँ मिला रहा है मध्य बिंदु पे, तो मूल क्षेत्रफल यानी कि टोटल क्षेत्रफल उसका एक चौथाई होता है, होता ही है। ये सभी देखो बराबर बराबर बना है,
बना है ना, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है हमारा 1/4। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है कि यदि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात a अनुपात b हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा। ठीक, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b हो तो उसके भुजाओं का अनुपात रूट अंडर a अनुपात b होगा। ये सभी पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कहा है आपका, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को a गुना करने पर उसके क्षेत्रफल a स्क्वायर गुना हो जाता है। याद रखेंगे, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को a गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर गुना। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज के आधार को a गुना एवं ऊंचाई को b गुना किया जाए तो क्षेत्रफल हमारा ए बी गुना हो जाता। ये सभी से रिलेटेड प्रश्न देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप सब्सक्राइब कर लो सफलता तक ऑफिशियल को। कैसा लगा कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम पढ़ाए हैं, तो प्लीज यार सपोर्ट और लाइक करो ना भूले, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में इसका हम क्वेश्चन करा देंगे और A to Z सभी क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।